दोस्तों, नेपाल की वादियों में इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह है जिसको कि पूरा दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। माउंट एवरेस्ट का नाम जब भी आता है तो सफेद चादर से ढकी विशालकाय पर्वत की झलक मन में आने लगती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की उम्र कितनी है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कितने रुपयों का खर्च आता है, और आखिर में क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों हर साल बढ़ जाती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिसको कि आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। तो गाइस, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का खोज किसने किया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट का खोज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सन 1841 में किया था। गाइस, ये माउंट एवरेस्ट का नाम पीक 15 रखे थे, लेकिन 1865 में पीक 15 का नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया और तभी से यह पीक माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले इंसान का क्या नाम है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले इंसान का नाम है कामिरिता। तो दोस्तों, कामिरिता माउंट एवरेस्ट पर लगभग 25 टाइम क्लाइंब कर चुके हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कामिरिता एक गाइड है जो माउंटेनियर को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने में मदद करते हैं। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि आखिर माउंट एवरेस्ट का उम्र कितना है। तो दोस्तों, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट का उम्र लगभग 6 करोड़ साल है। तो गाइस, चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर माउंट एवरेस्ट का जन्म कैसे हुआ था। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जब इंडियन लैंडमास यूरेशियन लैंडमास से टकराया था तो इन दोनों के टकराने के कारण एक बहुत बड़ा लैंडमास ऊपर उठ गया था और यही लैंडमास आगे चलकर हिमालय बना, और हिमालय में इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसको कि हम और आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर क्यों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया और यूरेशिया के लैंडमास हमेशा एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस प्रेशर के कारण हिमालय ऊपर उठते रहता है और इसी कारण से माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एक साल में लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। गाइस, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना जितना फिजिकली हार्ड होता है उतना ही फाइनेंशियली भी होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खर्च लगभग 34 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों, यही थे माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ रोचक तथ्य जिसको कि मैंने आप तक बहुत ही आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश की। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।